नमस्कार, आज साहित्यिक साक्षात्कार कार्यक्रम में राम सजल साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। और राम सजल साहू जी सजल उपनाम से भी साहित्य की दुनिया में, कविता लेखन की दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने खंड काव्य, महाकाव्य इन सब की रचना की है और इनकी स्फुट कविताओं के भी कई संकलन प्रकाशित हुए हैं। और हिंदी के यशस्वी कवि केदारनाथ अग्रवाल का जो नगर है बांदा, चित्रकूट के पास में ये नगर बसा हुआ है, तो यही एक गांव है बबेरू, तो यहाँ के ये निवासी हैं और बहुत ही समर्पित भाव से साहित्य लेखन में संलग्न रहे हैं। आज हमें इनसे बातचीत का अवसर प्राप्त हुआ है और हमारे साथ ये मौजूद हैं। तो सजल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है इस साक्षात्कार कार्यक्रम में। नमस्कार जी। परम आदरणीय राजीव कुमार जी, मैं दिल से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं रामकरण साहू सजल, निवासी गांव बबेरू, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश से हूं। जी सजल साहब, आपने कुछ दिन पहले मुझे अपना वो महाकाव्य, जो आपका नवीनतम महाकाव्य है जो संत गाडगे के जीवन पर आधारित है, आपने मुझे भेजा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसे पढ़कर कि आपने एक बहुत बड़े संत की जीवन गाथा को प्रस्तुत किया है। तो आप सबसे पहले अपनी नवीनतम जो काव्य कृति है संत गाडगे के जीवन पर आधारित, जो आपका महाकाव्य है, इसके बारे में बताएं और संत गाडगे के जो संदेश हैं, उनका जो महान जीवन जो रहा है समाज की सेवा में संलग्न रहे हुए दशकों तक, महाराष्ट्र के बेहद पिछड़े गरीब लोगों के बीच में उन्होंने कार्य किया, उनको संदेश दिया, उनके जीवन के उत्थान के लिए कार्य किया, तो इन सब के बारे में, उनके संदेशों की प्रासंगिकता के बारे में हमें आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं पुनः आपका और आपके इस पटल चैनल का तहे दिल से, हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। एक मैं संत गाडगे जी महाराज के संदर्भ में उनकी कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके जन्म से लेकर के अंतिम काल तक उनकी यात्रा के संबंध में कुछ कहूं कि उसके पहले मैं अपने संबंध में एक मिनट में अपनी बात रखूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपने बारे में भी बताएं कि मुझे उस जनपद पर जन्म लेने का अवसर मिला। ईश्वर ने मुझ पर कृपा करके ऐसे जनपद पर मुझे जन्म दिया जिस जनपद पर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बांदापुर के रहने वाले थे, मेरे राजापुर मात्र केवल 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर की दूरी पर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म मिला और वहां वो रहे। तुलसीदास जी का जो कृतित्व स्थल था चित्रकूट, जहां पर श्री राम 12 वर्ष तक अपने वनवास के 12 वर्ष का कार्यकाल, 14 में से 12 वर्ष का कार्यकाल जहां पर व्यतीत किया, वह चित्रकूट की पावन वसुंधरा भी मेरे जन्मभूमि से मात्र केवल 60 किलोमीटर दूर है। ये भी मेरा एक सौभाग्य है। मेरा तीसरा सौभाग्य जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि बाबू केदारनाथ अग्रवाल हुई, उनके घर से मात्र मेरा घर 20 किलोमीटर दूर है। उनका मूल जो जन्म स्थल है वह कमाचिन है, उनका मूल स्थल कमाचिन, मेरा मूल स्थल बबेरू और गोस्वामी तुलसीदास जी का मूल स्थल राजापुर, ये सब पुराने बांदा जनपद में समाहित हुआ करते थे। बिल्कुल, बांदा तो पौराणिक अंचल है और ये पूरे देश में प्रसिद्ध है बांदा और चित्रकूट, है ना? जी जी। अब आपने जो मेरी नवीन, हनुमान जी की भी चर्चा रामचरितमानस में आती है कि वहाँ उन्होंने भगवान नहीं था, तुलसीदास जी ने उनका दर्शन किया था शायद भगवान राम का। जी जी, चित्रकूट में ही। जी जी, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। जी जी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। जी जी, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये ना? जी, बहुत ही चर्चित पंक्ति है। तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम दर्शन चित्रकूट के ही घाट पर हुए। बिल्कुल,
आपने मेरी नवीन कृति संत गाड़गे जी महाराज पर जो मैंने महाकाव्य लिखा उसके संदर्भ में पूछा, उससे पहले मैं एक और चर्चा कर दूं। मेरे जीवन प्रथम मेरी कृति मुक्तावली है जिसको सरोकार प्रकाशन लखनऊ ने 2018 में छापा था। इस पुस्तक के अंदर मेरे 555 गिरीमुख तक प्रकाशित हुए। इसके बाद मेरी दूसरी कृति गांव का सौंधापन, जिस पर मैंने ग्रामीणांचल की बहुत सी बातों को लेकर के कविता के रूप में मैंने समाहित किया, वो गांव का सौंधापन इस पुस्तक का भी सफल प्रकाशन लोकोदय प्रकाशन लखनऊ ने ही किया। मेरे जीवन की जो तीसरी पुस्तक आई वह पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ एक विहंगम काव्य है, जिसमें मैंने पुरुषार्थ को ही नायक बनाया और बना करके काव्य के क्षेत्र में इस पुस्तक की रचना की और इसका भी सफल प्रकाशन लोकोदय प्रकाशन लखनऊ ने किया। जी सजल साहब, हम संत गाडगे के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया और वो किस काल के संत हैं, और आपकी जो आपका महाकाव्य जो है नवीनतम वो संत गाडगे के जीवन पर ही आधारित है, तो बहुत एक ये नवीनतम काव्य कृति हिंदी साहित्य में आई है, तो इसके बारे में बताएं। जी, संत गाडगे जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को दिन बुधवार को महाराष्ट्र प्रांत के अमरावती जनपद के वनहाड़ रियासत पर अंजन सुरजी तालुक हुआ करता था, वहां पर पुराना एक गांव कोते गांव, वहां पर उनका जन्म हुआ। इस कोते गांव को अब शेड्डे गांव भी कहते हैं। संत गाडगे जी महाराज के पिताजी का नाम झिंगरा जी था और संत गाडगे जी महाराज की माता जी का नाम शखुबाई था। शखुबाई और झिंगरा जी के पुत्र संत गाडगे जी महाराज हुए। इनका प्रथम नामकरण जो हुआ तो सबसे पहले इनका नाम डेबू जी महाराज हुआ। डेबू जी को लगभग 27 वर्ष की आयु में एक महान संत के दर्शन हुए, जिन्होंने इनका नाम परिवर्तित करके देवीदास रखा। और देवीदास महाराज जो डेबू जी थे, वह जब उनके उद्बोधन से इनके हृदय पर वैराग्य उत्पन्न हुआ तो फिर ये अपने एक गृहस्थ जीवन को त्याग करके 1 फरवरी 1905 को महज केवल 27 वर्ष की उम्र में इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये 1 फरवरी 1905 को प्रातः, समय निर्धारित नहीं है कि 3 बजे या 4 बजे, के घर से निकल गए और इनके हाथ में, ये घर से जब निकले तो इनके हाथ में मात्र केवल एक लकड़ी और एक घड़े का आधा हिस्सा, जिसको गाड़गा बोलते हैं, उसको लेकर के निकले। तो चूंकि इनके हाथ में वह घड़े का एक टुकड़ा था फूटा हुआ नीचे का हिस्सा और हाथ में एक लकड़ी थी, तो इनके हाथ में घड़े के फूटे हिस्से को देख करके लोग इनको गाड़गे कहने लगे और फिर ये गाड़गे संत के नाम से प्रसिद्ध। सजल साहब, गाडगे, महात्मा गाडगे, संत गाडगे ने समाज को क्या संदेश दिया? जब ये संत बन गए तो इन्होंने समाज की किस पीड़ा को महसूस किया और हमारे देश की आध्यात्मिक सामाजिक परंपरा में संतों की अपनी अपनी भूमिकाएं रही हैं। संतों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, कुछ संतों ने जाति वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई, कुछ संतों ने समाज को प्रेम भाव का संदेश दिया। तो संत गाडगे जो है महाराष्ट्र में अपने किन कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं? जी आदरणीय राजीव जी, संत गाडगे जी महाराज जो उस समय समाज में कुरूतियां व्याप्त थी, महाराष्ट्र के उस अमरावती जनपद के आसपास जितने भी गांव और अन्य जनपद थे, वहां पर एक बहुत बड़ी
अव्यवस्था थी मदिरा पान की। जी जी के घर यदि कोई आता था तो सबसे पहले उसके स्वागत में मदिरा रखी जाती थी। कोई भी रिश्तेदार आता था तो उसके स्वागत में पहले मदिरा रखी जाती थी। किसी प्रकार का कोई भी कार्य होता था, चाहे वो वैवाहिक कार्यक्रम हो या यहाँ तक हम कह देंगे कि 13वीं का जो भोज हो, उसमें सबसे पहले पंगत, भोजन के लिए पंगत लगाई जाती थी, उसपे मदिरा पान कराया जाता था। तो उस मदिरा पान के कारण वहां का समाज आर्थिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा टूट रहा था, जो उस समय के वहां के शाहूकारों के गुलाम होता जा रहा था। अपनी परिसंपत्ति को पैसों के एवज में वहां के शाहूकारों के सामने रख करके और उस पैसे से वह मदिरा लेकर के पान करते थे। तो संत गाड़गे जी महाराज ने सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर मदिरा पान का विरोध किया। यहाँ शराबखोरी आज भी हमारे समाज की बहुत सारी समस्याओं के मूल में है, और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि संत गाडगे उन संतों में हैं जिन्होंने शराबखोरी के बारे में और उसकी बुराइयों के बारे में समाज को बताया और समाज को उससे मुक्त करवाने की दिशा में उन्होंने पहल की। और ये भी कहा जाता है कि संत गाडगे से उस समय की ब्रिटिश सरकार जो है वो बहुत भयभीत रहती थी और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, तो इसके क्या कारण थे? सर मैं बताऊं आपको, परम आदरणीय राजीव जी, संत गाडगे जी महाराज अपना एक इंसानियत का, मानवता का जो संदेश आम जनमानस को देना चाहते थे, उस संदेश को सुनने के लिए उस समय उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। इस कारण उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि सबसे पहले वह लोगों को एकत्रित करके पहले वह कीर्तन और भजन करते थे, और उनका मुख्य भजन था यशुदा नंदन माधव मोहन मुरलीवा। पहले अपनी अच्छी धुन में पहले लोगों के बीच में ये कीर्तन करवाते थे, और जब कीर्तन को सुन करके लोग मस्त हो जाते थे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, तो फिर वह मानवता का संदेश सुनाते थे। उनकी सभाओं में, उनके कार्यक्रमों में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, जिससे उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी वो परेशान होती थी। उन्होंने कई एक बार इनकी जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया। एक बार इन्होंने अपनी जनसभा की जिस पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया, और उस इलाके का जो दरोगा था वो भी वहां पहुंच गया। उसने महात्मा जी से कहा कि चूंकि यहाँ के तहसीलदार साहब ने आपको अनुमति देने से इनकार कर दिया है, इसलिए आप अपनी सभा को नहीं कर सकते। यह बात सीधे संत गाडगे जी महाराज की और उस क्षेत्र की उस दरोगा से हुई। गाडगे जी महाराज ने उस दरोगा से एक प्रश्न किया, चूंकि वह दरोगा मुसलमान जाति का था, उस दरोगा से एक प्रश्न किया कि क्या आप अल्लाह को मानते हैं? तो उस दरोगा ने बात कही, जवाब दिया कि मैं बिल्कुल अल्लाह को मानता हूं। जब दरोगा ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को मानता हूं, तो संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो नमाज भी पढ़ते होंगे। उसने कहा बिल्कुल पढ़ता हूं जब अवसर मुझे मिलता है। तो फिर इसके बाद संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि अगर अल्लाह को आप मानते हैं और आप नमाज पढ़ते हैं, तो क्या नमाज पढ़ना कानून के विरुद्ध है? तो उस दरोगा ने कहा कि नहीं, नमाज पढ़ना कानून के विरुद्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आप अल्लाह को मानते हैं, उसी तरह हम कृष्ण को मानते हैं, माधव को मानते हैं, श्याम को मानते हैं, तो क्या हम श्याम माधव कृष्ण का भजन करें, तो क्या यह गलत है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत नहीं है। तो संत गाडगे जी महाराज ने उस दरोगा से ही प्रश्न किया और कहा कि तो फिर क्या हम अपना भजन चालू करें? तो उस दरोगा ने कहा कि बिल्कुल आप भजन कर सकते हैं, आप जनसभा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन भजन कर सकते हैं। और तुरंत सजल साहब, भारत जो है एक सहृदय जीवन परंपरा का देश रहा है, और आपने दरोगा और संत गाडगे के जीवन की जो कथा सुनाई है उससे ये सब सारी बातें स्पष्ट होती हैं
कि हमारे देश में बहुत गहरी समझदारी रही है आपस में लोगों की, और ये समाज जो है तमाम तरह की विषमताओं के बावजूद बहुत संगठित और प्रेम भाव को प्रदर्शित करता रहा है। किसी भी तरह का कोई टकराव यहाँ नहीं रहा है। संकट भी आप व्याप्त रहे हैं इस समाज में, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने अपने अपनी काव्य कृति में इन सब प्रसंगों को उठाया है और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जो अच्छाई है उसको अपना वर्ण विषय, आपने काव्य कृति का वर्ण विषय बनाया है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने महाकाव्य के कुछ अंशों का पाठ करें, संत गाडगे के जीवन पर जो महाकाव्य आपने लिखा है उसके कुछ अंशों का आप पाठ करें। परमादरणीय राजीव जी, एक चीज मैं बता दूं, जब ये मैंने महाकाव्य लिखा तो इस महाकाव्य में मैंने एक मंगलाचरण जोड़ा। सर्वप्रथम जब हम कोई महाकाव्य लिखते हैं तो उसमें जरूर मंगलाचरण के रूप में कुछ लिखते हैं, तो इस महाकाव्य में तो मंगलाचरण जरूरी होता है। महाकाव्य जो है वो पारंपरिक शैली की काव्य रचना है, उसमें तो मंगलाचरण तो लिखना ही पड़ेगा। इससे लिखा है इस महाकाव्य पर जो मैंने इसके खंडों का बंटवारा किया, तो चूंकि कुछ लोग अपना खंड लिखते हैं, कोई सर्ग लिखता है, कोई उल्लाल लिखता है, कोई कुछ लिखता है, मैंने इसको पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण, पांचवी किरण, छठवीं किरण, सातवीं किरण, आठवीं किरण, नौवीं किरण, दसवीं किरण और ग्यारहवीं किरण के नाम से इसके सर्गों का बंटवारा किया है। इसके सर्गों का बंटवारा करते हुए जो मैंने मंगलाचरण लिया इसका, तो मैंने भारत वैभव दिया नाम उसका। उस तक मंगलाचरण पर मैंने भारत के वैभव को लिखा, क्योंकि संत गाडगे महाराज स्वयं में भारत का एक वैभव है। चाहे वो संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं ये सभी हमारे भारत के वैभव है। हाँ, संत महात्मा सब तो हमारे समाज के सृजनहार रहे हैं, हृदय हार रहे हैं। उन्होंने हमारे समाज को संदेश दिया और समाज को पतन के गर्भ से उबारा, समाज का नवनिर्माण किया। और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो भी एक संत ही थे, परंपरा के ही वो चिंतक थे। तो मैं इस पुस्तक के मंगलाचरण के कुछ अंश देखिए पहले पढ़ता हूँ जी। रश्मि रथी हो सूरज चलता, धरती के कोने कोने को नूतन पावन निज किरणों से हर तीर धरा का धोने को आरूढ़ित हो हुंकार रहा अम्बर पथ गामी बन करके मलयाचल की हर श्रेणी पर सोना चांदी सा हो करके। वाह बहुत सुंदर। पिघलाने को आतुर हो कदम बढ़ाता वहा किरणों के प्रबल प्रवाहों से सबको आंखें दिखलाता वहा वह रास्ता से सबको आच्छादित करता है हर एक प्राणी के जीवन में सुंदर सब खुशियां भरता है। कल कल निनाद करती धारा छल छल कह बहती रहती है ऋतुओं की शीत तपन वर्षा निज उर्मे सहती रहती है सारी सलिलाएं सरस रही जो शीतल शीतल जल देती तीनों ऋतुओं में बह करके हर प्राणी को जीवन देती तंत्रिका तंत्र धरती का बन हर अंगों पर संचार करें मंगल पावन करनी जिनकी गरिमा चाली अंपाल करें वह वेद भाव से रहित हर प्राणी का प्रतिपाल करें मधुर कंठों से भारत की गौरव गाथा का गान करें हरा कर हरा भरा पुष्पित सुगंध से भर दीता किसलय की कोमल पंखुड़िया स्वागत में सबके रख देता बेला गुलाब जूही चंपा कचनारों की क्यारी न्यारी अनुपम कुछ छटा बिखेर रही गुलमोहर की लड़िया प्यारी चहुमोरे लटकती लता जहां खग वृंदों का कलरव भारी यह भारत भूमि भव्य अपनी जो जगती तल पर है प्यारी
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। औरों के संग महुआ की लटकन लटक रही, मोतिया लसी कासी बासी, कदली कपूर सी महक रही, रसगुल्लों सी जामुन रस भर, मादकता भी बिखीर रही, लीची रसूल रीची रसाल नींबू बेरी, घुइया आलू को देख रही, आज प्रकृति वर्णित हो करके आह्लादित वह सबको करती, जिससे हर्षित वह हो करके प्राणी उर पर उमंग भरती, भारत की यही संस्कृति है जो सबको मोहित करती है, हम सब परिवार एक जैसे हर एक को पूरित करती है, पतझड़ पर ही मिलता बसंत यह पावन प्रकृति सुहानी है, हम अहंकार बस भूल गए यह बहुत बड़ी नादानी है, अपने पथ पर सब चलते हैं अपना कर्तव्य निभाते हैं, संतुलन बिगड़ता अगर जरा सब मिट्टी में मिल जाते हैं, वाह वाह बहुत सुंदर। चंदन की मलयागिर से मारुत चलता, वन प्राण वायु हर प्राणी के अंतः उर्णव चेतन भरता, विंध्याचल विंध्य श्रृंखलाएं श्रृंगार धरा का करती हैं, जीवन को सारा प्रमुदित कर उल्लास हृदय में भरती हैं, उपवन तलाग सुंदर शोभित निर्झर झरना झरते रहते, शारंग चातक की झंकारे दादुर आवाज किया करती, पिक पूक रही अमराई में हर जगह मोर नाचा करते, सोना सा चमक रहे सब मज गिर कानन में दौड़ा करते, वैज्ञानिक आर्य भट्ट भाभा बाराह मिहर अरु रामानुज, एपीजे अब्दुल कलाम वह सीबी रमन पावन मनुज, भारत के वीर प्रताप शिवा विक्रमादित्य अरु चंद्रगुप्त, आजाद भगत बिस्मिल अशोक अस्फाक लड़े दिल से दुरुस्त, यह धरा प्रतापी वीरों की जिसने धरती का भोग लिया, समरांगण की बल बेदी में हंसकर आत्म उत्सर्ग किया, दारुण दुख को सहते सहते भारत का मान बढ़ाया है, भाला बरछी तलवारों से दुश्मन का शीश उड़ाया है, छल धर्म युद्ध दुश्मन को धूल चटाते थे, दुंदुभी समर तुरहिन की सुन रणधीरी रण बजवाते थे, नारी बन महाकाल चंडी रण में कौशल दिखलाया है, मानवता की यह अमर ज्योति निज हाथों जिसे जलाया है, नैनों में धधक रही ज्वाला हाथों में खंजर दिखता था, समरसता का पावन झरना हर एक के द्रग में झरता था, ज्ञानों से लेकर सरहद तक साहस हिम्मत दिखलाती हैं, भारत की सौर पताका लिए वह शिखरों में चढ़ जाती हैं, सदमार्गी गुरु गोविंद सिंह अरु नानक देव हमारे हैं, भारत का स्वर्ग स्वर्ण मंदिर सब पावन तीर्थ हमारे हैं, झलकारी सीता अनुसुईया लक्ष्मी दुर्गा कहलाती हैं, नारी जो नर की खान बनी हर एक को गले लगाती हैं, कूटों पर चित्रकूट पावन मथुरा काशी अरु वृंदावन, ऋषि वाम देव धरती बांधा दशरथ नगरी अति मन भावन, कन्नौज आगरा दिन दिल्ली चंडीगढ़ अरु भोपाल ताल, कीरत सागर बुंदेलखंड जयपुर की धरती लाल लाल, कश्मीर हृदय है भारत का जिसमें केसर की क्यारी है प्रकृति एक जिसकी अनुपम जो सारे जग से न्यारी है, झीलों में चिलका बहुत सुंदर बहुत सुंदर, शहरों में एक चेन्नई है, कालीकट सुधर कोलकाता, बॉलीवुड सुघर मुंबई है, लखनऊ नवाबों की बस्ती है, भूल भुलैया मतवाली, महलों में ताज महल सुंदर है, हिमगिर करता रखवाली, पन्ना हीरों की जो खदान बसरा मोती बरसाता है, चापा सिवनी जिसका रेशम हर दूर देश तक जाता है, पुरियों में जगन्नाथ पावन
रथ यात्रा का उत्सव भारी, गंगोत्री यमुनोत्री के संग गंगा सागर यात्रा न्यारी, मैथिली शरण अरु बालिनी के दिनकर रतना कर सूरदास, केशव मीरा तुलसी कबीर केदारनाथ गोपाल दास, रसराय पद्माकर की रचना न्यारी, तीर्थों में स्वयं प्रयागराज जिसकी महिमा सबसे प्यारी, विश्वनाथ काशी वृंदावन मंदिर कोणा के एक पावन, शक सोमनाथ रामेश्वर अम्बे सूरत की मन भावन, यह अजब गजब भारत मेरा शिखरों से सूर्य निहार रहा, गंभीर उदित दोनों कर से जिसके पद स्वयं पखार रहा, मिला दुलकुल नबी दुल अजहा दीपावली और बैसाखी, लोहड़ी होली विजया दशमी है रक्षा बंधन पावन राखी, यह राम श्याम की धरती है अर्जुन दुर्योधन सूरवीर, सुग्रीव बाली हनुमान जहां फिरते जंगल के तीर तीर, सौभाग्य उसी तो भारत भूमि में जन्म लिया, उन सब में प्रमुख एक मानो मानवता को स्वीकार किया, दुख का सुख खुद का सुख स्वयं लुटा करके औरों के दुख को लूट रहा, वह जोड़ रहा उन तारों को जो मतभेदों से टूट रहा, नर जो नारायण की सेवा कर खुद नारायण बन जाता है, मूलक समाज देकर सिंधु पार हो जाता है, माँ सरस्वती का कर बंधन कुछ सभ्य हृदय के रखता हूँ, शब्दों की कड़ियां माला कर मानव को अर्पित करता हूँ, जो भारत का गौरव इतिहास लिखाता है, उनके चरणों में सजल शीश रखो अपनी कलम चलाता है, जो धरा में भारत का गौरव इतिहास लिखाता है, उनके चरणों में सजल शीश रखो अपनी कलम चलाता है, उनके चरणों में सजल शीश रखे अपनी कलम चलाता है। पावन पुनीत पवित्र महाकाव्य का रामकरण साहू समी सजल साहब, आपने संत गाठ के जीवन पर महाकाव्य रच करके महान महापुरुष के जीवन की कथा और उनकी जो पावन संदेश उनके जो हैं उनको अपने महाकाव्य का विषय बनाकर आपने एक तरह से हिंदी साहित्य में महाकाव्य लेखन के नए आयाम को आपने उद्घाटित किया है जी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं और ये बहुत जरूरी है कि सभी संत महात्माओं के जीवन पर काव्य कृतियां लिखी जाएं, महाकाव्य लिखे जाएं, और आपने उस स्तुत्य कार्य को किया है, संपन्न किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये काव्य कृति हिंदी में पढ़ी जाए, सभी लोग इसको पढ़ें और उसका स्वागत हो रहा है आपकी इस काव्य कृति का, इसको प्रचार होना चाहिए। परमादरणीय जी धन्यवाद, मुझे कम सबसे ज्यादा सबसे अधिक धन्यवाद आपका है जो आप इस साक्षात्कार के माध्यम से मेरी इस कृति को जन जन तक बीच के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं जन जन सरोकार मंच टोंक और इसके जो संचालक हैं आदरणीय देवेंद्र जी, तो बहुत निस्वार्थ भाव से वो हिंदी साहित्य के तमाम अलक्षित और महत्वपूर्ण जो कवि हैं, रचनाकार हैं, तो उनको एक मंच पर लाने का अद्भुत कार्य वो कर रहे हैं, और उसी क्रम में हम लोगों ने ये आपके साक्षात्कार का आयोजन किया है, और आप इसमें हम आकर हम लोगों का मनोबल जो है, जो गौरव है, उसको आपने बढ़ाया है, इसके लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आप से मैं अभी जानना चाहता हूँ कि एक रचनाकार के रूप में आप अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं कि आपके जीवन के क्या संघर्ष रहे, अपने इलाके के बारे में, अंचल के बारे में तो आपने बताया है, और अपने जीवन के बारे में भी, माता पिता के बारे में, शिक्षा के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, आप आजीविका के बारे में, और रचनाकार के रूप में जो आपका संघर्ष रहा है वो सब आप थोड़ा बताएं जी। परमादरणीय जी
मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरे माता पिताजी बहुत ही एक साधारण परिवार से थे, और यहां तक मैं कह दूंगा कि मेरे माता पिताजी एक खेतिहर मजदूर थे। आज मेरे पास बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पास बहुत बड़ा एक धन है, और वो है मेरी 97 वर्षीय माता। उनका मुझे आज भी आशीर्वाद बराबर प्राप्त है। मेरे माता पिता ने अपने अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से, हम पूरे परिवार का उन्होंने भरण पोषण करते हुए, क्योंकि मैं अपने माता पिता की 5वीं और सबसे संतान हूं। मेरा जन्म 10 अगस्त 1970 को हुआ था। मेरी बेसिक शिक्षा की पढ़ाई मेरे ही कस्बे बबेरू पर, माध्यमिक की पढ़ाई मेरे कस्बे पर बबेरू पर ही हुई। इसके बाद मेरी उच्च शिक्षा पढ़ाई के जो केंद्र थे वो दो तीन हुए। मेरी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, मैंने हिंदी और अंग्रेजी से एमए किया। स्नातक करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी से मैंने एमए किया, 5 स्नातक किया। और इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से मैंने व्याकरण से आचार्य, यानी संस्कृत से आचार्य किया। इस तरह से मेरे तीन मेरे 5 स्नातक हुए। और इसके बाद फिर मैंने वीटीसी और वीएड और एलएलबी की डिग्री इस परिश्रम के साथ करता हुआ पहुंचा, और अंत में मुझे बेसिक शिक्षा परिवार उत्तर प्रदेश में सेवा करने का मौका मिला। और आज भी मैं बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के परिवार के एक बेसिक विद्यालय पर, प्राथमिक विद्यालय पर आज भी मैं शिक्षण कार्य करता हूँ। मेरा ये जीवन रहा। मैं आपको बता दूं, मेरे ही कस्बे में एक माध्यमिक का विद्यालय है जिसको कहा जाता है ज्वाला प्रसाद शर्मा इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं इंटरमीडिएट का छात्र हुआ करता था। मेरी आयु तकरीबन कोई 17 साल के आसपास थी। मेरे विद्यालय में जी प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हुआ करता था। बहुत से बच्चे जब मंच में खड़े होकर के अपने गीत, लोकगीत, अपनी रचनाएं, कवितानी आदि पढ़ते थे, तो मेरे जी मन में एक जिज्ञासा हुआ करती थी कि काश मैं भी इनके साथ खड़ा होता और पढ़ता। उस जी समय से मेरी मस्तिष्क में एक लेखन की हाँ लालसा जागृत हुई और मैंने लिखना चालू किया। स्नातक और परास्नातक करते करते मेरा लेखन का काम और तीव्र हुआ, और जैसे ही मेरी बेसिक शिक्षा परिवार में नियुक्ति हुई, इसके बाद इस गति को मैंने और प्रदान किया। और आज माँ सरस्वती की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के स्नेह से मैं इस स्तर तक पहुंचा कि आज मेरी एकल और साझा पुस्तकों के आधार पर मेरी 32 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें कई एक महाकाव्य, खंड काव्य, मेरी कविता संग्रह, मेरे गीत संग्रह, मेरे गजल संग्रह। इस तरह से आज मुझे 32 पुस्तकों का प्रकाशन कराने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो यह मेरी पूरी जिंदगी थी जो मैंने आपके सामने रखी। जी रामकरण साहू सजल साहब, आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, और आपने अपने बारे में बताया। आप ने एक तरह से देश के उन लोगों के बारे में बताया है जो गांव में रहते हैं और अपने संस्कारों से वो साहित्य की ओर उन्मुख होते हैं, और अपनी आत्मिक अनुभूतियों से वो समाज को एक तरह से कुछ संदेश देना चाहते हैं साहित्य के माध्यम से। और आपने अपना सारा जीवन जो है, समग्र जीवन जो है, इस तरह से साहित्य के लिए समर्पित किया, और आप एक महान साधक हैं साहित्य के, और आपको इसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आपसे बातचीत करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। आपका जीवन जो है बहुत प्रेरक है। आपने अपनी आत्मिक अनुभूतियों से साहित्य सृजन किया है, और आपके जीवन के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई है हम लोगों को।
आप अपनी कुछ अन्य रचनाएं भी अगर सुनाना चाहें तो स्वागत है। गजलें वगैरह भी आप लिखते हैं? जी, लिखता हूँ, बिल्कुल लिखता हूँ। तो आप कोई गजल आप सुनाएं? गजल जो है वो हमारे देश की हिंदू मुस्लिम संस्कृति की जो एकता है उसकी एक प्रतीक काव्य विधा है वो। जी, गजल इन दिनों खूब लिखी जा रही है और उसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और आपने भी गजलें लिखी हैं। जी, मैं आपको गजल अपनी एक प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जी लेकिन से पहले कहीं एक मिनट में मैं आपको बता दूं कि गजल है क्या, क्योंकि आज लोग बहुत ही गजल लिख रहे हैं, काफी लोग गजल लिख रहे हैं। और गजल क्या है, जब तक हम इसको शायद नहीं समझ पाएंगे तो वास्तविक गजल का स्वरूप क्या होना चाहिए उसको शायद लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है। गजल का जो जन्म है उसकी पहली इबारत कसीदों के रूप में रखी, सातवीं शताब्दी में राजाओं और नवाबों के दरबारों में दो दो चार चार पंक्तियों के जो लोग कसीदे उनके खुशनुमाई में अपने राजाओं और नवाबों की खुशनुमाई में दो दो चार चार पंक्तियों कि जो छड़काएं पड़ते थे उनको कसीदी कहा जाता था। और फिर उन कसीदों को धीरे धीरे लयबद्ध करते हुए और उनकी पंक्तियां जोड़ते हुए शेरों का निर्माण हुआ। और शेरों के निर्माण के बाद में फिर जब शेरों के समूह को एकत्रित किया गया तो फिर वो अपना स्वरूप गजल आ गया। दरअसल गजल लिखने के लिए तीन चीजें बहुत अनिवार्य हैं। अब वह अनिवार्य क्या है, अगर गजल को हम उसके बही की मापनी पर नहीं लिखते हैं तो गजल निश्चित गायन पर कहीं ना कहीं अभ्रंश होगी। वही की जो मापनियां हैं वो 52 प्रकार की हैं। 52। रामकरण साहू साहब, आप अपनी कोई गजल हमें सुनाएं, क्योंकि गजल के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे गजल क्या है और गजल का व्याकरण क्या है, लेकिन हम लोग अभी बहुत आतुर हैं और इच्छुक हैं कि आपकी कोई गजल सुनने को मिले। और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कोई गजल अपनी जो है उसे आप गुनगुना कर सुनाएं। जी, सुनिए। मैं गजल का मतलब आपके सामने रखता हूँ। जी, हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना, 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 सुनहरी आँख में अपनी चुनहरी आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना, आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना, हमारी चाहतों। देखिए गजल का शेर पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी चाल से चट के चतुर कलियां संभल करी के, चाल से चट के चतुर कलियां संभल करी के, बंधी पैरों की तुम अपने, बंधी पैरों की तुम अपने, हमें पायल समझ लेना, बंधी पैरों की तुम अपनी हमें पायल समझ लेना, हम
चाहे तुमको तुम घना बादल समझ लिए। गजल का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सजल साहब, आपसे बातचीत करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और आप साहित्य के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आज के दौर में, जब मीडिया जो है सोशल मीडिया एक और साहित्य को नए सिरे से ये समाज में लोकप्रिय बना रही है, तो दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि साहित्य जो है वो बहुत अब अप्रासंगिक विषय भी बनता जा रहा है, क्योंकि आत्मिक प्रेरणाओं का समाज में निरंतर अभाव होता चला जा रहा है, लोग जो हैं वो बहुत भौतिकवादी जीवन दर्शन से अब जुड़ते चले जा रहे हैं, सर्वत्र संकट विद्यमान है, और ऐसे दौर में साहित्य की प्रासंगिकता को, उसके महत्व को और समाज के लिए उसकी अपरिहार्यता को किस रूप में आप रेखांकित करना चाहेंगे? जी, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि साहित्य कहीं ना कहीं समाज में द्वेष की भावना को पनपा रहा है, मैं तो सीधी एक बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं उस साहित्य को हमें देखने का जो हमारा नजरिया है वो उसमें बदलाव हुआ है। हमने प्रेम कहा, एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं, हमने प्रेम कहा तो प्रेम तो मीरा का भी हो सकता है, प्रेम तो राधा का भी कृष्ण से हो सकता है, फिर हम केवल प्रेम को एक तरफा इसी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? प्रेम प्रेम है, प्यार प्यार है, इश्क इश्क है। तो समाज वो आज का जो साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से एक जो दिशा दे रहा है, उस दिशा पर हमारी सोच जो है वो सकारात्मक हो। आदरणीय राजीव सर जी, मिट्टी से ही एक कुम्हार था, कुंभकार था, वो अपनी चाक में एक कच्ची मिट्टी रखी और उसने हाथ लगाया और उसने उस मिट्टी से एक चिलम बना दी जो पूरे जीवन जलती रही और दूसरे को जलाती रही जी। और दूसरे कुंभकार ने उसी कच्ची मिट्टी में उंगलियां और हाथ लगा करके एक घड़ा बना दिया जो पूरे जीवन शीतल रहा और पूरे जीवन समाज को शीतलता देता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल एक समझने का देखने का ढंग अलग है। साहित्य समाज का वह दर्पण है जो यथार्थ को दिखा देता है। धूल दर्पण पर नहीं हो सकती, धूल हमारे चेहरे पर हो सकती है। हम अपने चेहरे को दर्पण के सामने लाकर के खड़ा करते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि दर्पण धुंधला है। दर्पण कभी धुंधला नहीं होता, साहित्य कभी प्रदूषित नहीं होता। बिल्कुल, आपने साहित्य के बारे में जो कुछ भी हमें बताया है वह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्य है। साहित्य समाज में सदैव प्रवाहित होता रहेगा और संदेश देता रहेगा, मानवता का संदेश देता रहेगा, प्रेम का संदेश देता रहेगा, और समाज में आत्मिक अनुभूतियों के प्रसार में, उसके विकास में, उसके उत्थान में, मनुष्य के आत्मिक उत्थान में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। और इसी के साथ रामकरण साहू, सजल साहब, हम समयाभाव के कारण अब आपसे बातचीत को समाप्त करना चाहेंगे, और फिर हम आपको कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। आपने अपने महाकाव्य का काफी मंगलाचरण जो है उसको हमें सुनाया और गजलें भी सुनाई, अपने जीवन के बारे में बताया, संत गाडगे के बारे में सबसे बढ़कर जो बात रही है इस कार्यक्रम की उसमें आपने उनका संदेश जो है वो हमें सुनाया है, इसके लिए हम आपके कोटिशः आभारी हैं, और हमें आप अनुमति दें और कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आपको हम फिर कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हृदय की अनंत गहराइयों से आपका और इस पटल का इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने इतने चर्चित पटल पर और आप स्वयं एक बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार और विद्वान व्यक्ति हैं, आप मैं नमन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। आपने मुझ जैसे एक छोटे से रचनाकार को अपने साथ वार्ता पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस साक्षात्कार को समाप्त करते हैं। फिर कोई धन्यवाद, 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 आपका आभार, आपका सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी सर, धन्यवाद।